आपका बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। गुजरात से मिल रही है भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे, तो फैसला हो गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात की कमान सौंपी जाएगी। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घाट लोधिया सीट से भूपेंद्र पटेल विधायक हैं। विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। निर्वाचन की प्रक्रिया की दृष्टि से यह बैठक आमंत्रित की गई है। निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी को ये देने वाली जीत है। मार हो रही है सब खड़े आज का मैं माइक हाथ में। अरे दादा तुम हिलाते हो क्यों? विधायक दल की बैठक में नए विधानमंडल दल के नेता सचिन थे ना जाकर मौका मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी ने किया, गणपत भाई बसावा, कुमारी बावलिया, दिवाली आत्माराम भाई परमार, उमेश भाई मोदी और अतुल सिंह चौहान, इन सब ने समर्थन किया। प्रस्ताव रखने की बात आई तो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी ने कहा अगले विधानमंडल दल के नेता के नाम का प्रस्ताव मैं रखूंगा और विजय भाई रूपाणी जी ने यहाँ इस क्षेत्र के सारे जीवन के बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधायक सहज सरल नेता सागर जीवन में अनेक संस्थाओं से जुड़े रहने का और काम करने का जिन्हें अनुभव है। शिक्षा की दृष्टि से वो इंजीनियर है, पहले भी नगर पालिका और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर चुके हैं और मुझे लगता है कि विजय भाई रूपाणी जी ने उनके व्यवहार को उनके जीवन को देख कर ही नाम भूपेंद्र पटेल किया। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल सदन में ये पूछना चाहूंगा इस काम के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव है? कोई प्रस्ताव है? सारे लोग दोनों हाथ उठाकर जाओगे मीडिया के लोग चलो भूपेंद्र पटेल के पास चलो थोड़ा हाथ नीचे ना थोड़ा सा Thank you.
तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लग गया है और भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया और भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगी। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस नाम का भी सुझाव दिया था और अब इस नाम पर मुहर लग गई है। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ न्यूज रूम से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, वो जो तमाम नाम जिनकी चर्चा की जा रही थी, जिनका जिक्र किया जा रहा था, उन सब से इतर एक बार फिर से बीजेपी ने चौंकाया है और भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री सुझाया है। देखिए प्रेरणा, थोड़ी देर पहले ही जब आपसे बात हो रही थी तो हम यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में यही होता है कि जो नाम चलते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, और एक बार फिर मोदी और अमित शाह ने ये कहा जा सकता है कि इस बात पर मोहर भी लगाई है और ये बताया भी है कि आप कुछ भी सोचते रहिए, आपके मन में कुछ भी चलता रहे, लेकिन वही तय करते हैं कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए सीएम होंगे। कई तरह के नामों की चर्चा थी, चाहे मांडविया की बात करें या नितिन पटेल की बात करें या प्रफुल्ल पटेल की बात करें, ऐसे कई सारे नाम चल रहे थे। लेकिन एक शिक्षक, घटलौतिया विधानसभा से वो आते हैं, वहाँ के MLA हैं, लेकिन एक बतौर शिक्षक रहे हैं, बहुत ही एक सामान्य परिवार से आते हैं जैसा जो जानकारी मिल रही है भूपेंद्र पटेल। और दो ऐसे अलग अलग स्थान हैं जहां पर वो चेयरमैन रहे हैं, लेकिन उसके बाद यदि उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है तो निश्चित रूप से कई तरह के मायने इसके निकाले जा सकते हैं। एक तो एक पटेल समुदाय से ही वो आते हैं तो किसी पटेल को बनाया जाना चाहिए था, जैसी चर्चा थी बड़ी तेज़ी से, क्योंकि 2022 में गुजरात के चुनाव होना है, उससे पहले पटेल वर्ग को नाराज करना शायद किसी के लिए भी ठीक नहीं होता, तो उस वर्ग को जिम्मेदारी दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नाम सबसे ऊपर थे, चाहे नितिन पटेल की बात करें, प्रफुल्ल पटेल की बात करें, तो लग ये रहा था कि डिप्टी CM, क्योंकि पहले घर की सुरक्षा बढ़ाई गई तो सभी लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा भी था कि ऐसे कोई चेहरा सामने आना चाहिए जिसको सब लोग जानते हों, लेकिन भूपेंद्र पटेल एक ऐसा चेहरा है जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन बीजेपी काम करने वालों को महत्व देती है और शायद इसीलिए भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लगी है। जी प्रेरणा, निश्चित रूप से मनोज जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल एक ऐसा चेहरा है जिनको कि बहुत लोग नहीं जानते, और अगले साल दिसंबर में माना जा रहा है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो क्या माना जाए, ये एक्सपेरिमेंट है या बीजेपी को पूरा विश्वास है भूपेंद्र पटेल पर? देखिए, अब ये तो जाहिर सी बात है कि जिस चेहरे को सामने वो लेकर आए हैं, अब जब चुनाव दिसंबर में होना है 2022 के आसपास, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि वही चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जा सकता है। और किसी भी चेहरे को जब चुनाव होना होता है उससे ठीक पहले, साल भर पहले, 6 महीने पहले, ऐसे चेहरे को सामने लाया जाता है जिस चेहरे को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। और बीजेपी हमेशा कई तरह के रिस्क फैक्टर को कवर करती है, खासकर मोदी अमित शाह की जोड़ी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब की बात करें, तो वही निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भूमिका सौंपी गई थी वो एक बार फिर मध्यप्रदेश के खाते में भी जाती, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर, जब जब इस तरह की कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो उसका जिम्मा नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने उठाया, जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार में कृषि मंत्री है और बहुत ही जिम्मेदारी से अपना पद निभा रहे हैं, तो वही पहुंचे थे, उनके साथ दो अन्य लोग भी थे, तो उनके साथ बैठक हुई है, पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे थे, और बैठक में सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि भूपेंद्र पटेल पर अपनी मोहर लगा दी। तो जो कई तरह से जिसके अपने अपने समीकरण थे, गणित चल रहे थे, आज सभी पर मोहर भी लग गई है और एक तरह से विराम लग गया उन बातों पर जो तमाम तरह के नाम दिखाई दे रहे थे, और चौंका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने, कि हम किसी को भी कहीं भी ऐसा कुछ नया लेकर आ सकते हैं जिसका आपके मन में भले नाम न चलता हो, लेकिन वो चेहरा बतौर मुख्यमंत्री हो सकता है। एक छोटे से परिवार से आने वाला व्यक्ति जो शिक्षक रहा हो कभी, वो अब गुजरात का मुख्यमंत्री होगा। प्रेरणा, बिल्कुल बहुत अहम बात कही आपने कि चौंका दिया है मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि भूपेंद्र रजनीकांत पटेल अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। पूर्व CM विजय रूपाणी ने नाम का प्रस्ताव रखा था और केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने नाम का ऐलान किया है। अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे हैं। घाट लोदिया सीट से फिलहाल में विधायक हैं भूपेंद्र पटेल। शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी और अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें देखा जाएगा।